मैं हूँ इस टाइम शायद जिंदा में, और इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं इस पे, और आगे भी आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा एरिया है और मेरे बिल्कुल सामने ही बहुत बड़ा एक कब्रिस्तान है ये एरिया भी, और काफ़ी खूबसूरत इन्होंने डेवलप किया हुआ है। आर्ट के हवाले से भी ये काफ़ी डिफरेंट है। काफ़ी बड़ा एरिया और गर्मी भी सख्त किस्म की है, और मैं निकला हूँ ऊपर। कब्रस्तान है, बहुत बड़ा कब्रस्तान है ये, बाहर से आते हुए मैंने देखा है। एक बात का ख्याल रखें कि ये बिल्कुल फ्री नहीं है, इसकी भी एंट्री फीस है। और जब मैं भी आया था तो उस भी करेंसी के अंदर तकरीबन 40,000, तकरीबन पाकिस्तानी आप USD को अगर कन्वर्ट करें तो तकरीबन $4 बनते हैं। तो ये इसकी एंट्री फीस है, और ये समरकंद में है। अगर आप समरकंद में विज़िट करें, रेगिस्तान और साथ में ये शाह जिंदा लाजमी विज़िट करें। इधर पीछे क्या है, इधर भी देखना चाहिए कि पीछे क्या क्या है। पीछे भाई कुछ नहीं है, इधर वापस आ जाए। लकड़ के बने हुए हैं सारे। इस गैलरी में तो सारी पिक्चरें पड़ी हुई हैं शाह जिंदा के रिलेटेड, और काफ़ी मुझे पत्थर भी नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये पिक्चरें भी वगैरह। ऊपर वाली साइड में काफी आर्ट का काम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हुआ है, और काफी देखने में अच्छा लग रहा है।
काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है इधर। और अब ये इतनी इतनी ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा, आया भी बड़ी मुश्किल से हूँ। नीचे जाना मेरे ख्याल में आसान ही होगा, अब देखते हैं आगे। यहाँ से तो पूरे सिटी का भी व्यू नज़र आ रहा है। ये इस साइड मेरा सारा कब्रिस्तान है। अब वो नीचे तक जाना पड़ेगा। एक तो आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और मैं तो कहता हूँ चौथे या पाँचवें चौथे मंथ में ना पाएँ, हद से ज़्यादा गर्मी है। अगर आपने आना भी है तो पहले या दूसरे या आठवें या नौवें मंथ के अंदर आएँ। चले जी अब वापस चलता हूँ, ये सामने मेन एग्जिट का दरवाजा है। यहाँ से लूँगा मैं टैक्सी,
और बाहर आ गया हूँ। ये जगह मैं कह सकता हूँ वाकई इन्होंने भी तकरीबन 20,000 लिए हैं, तो ये जगह वाकई घूमने वाली है। इसका नाम है शाही जिंदान। तो आप अगर आएँ समरकंद के अंदर तो ये जगह लाजमी, मैं ये रेफ़र करूँगा कि इसको लाजमी आपने घूमना है। बाकी यहाँ पे टैक्सी देखता हूँ आगे कुछ। अब यहाँ मैं खड़ा होके देखता हूँ कोई भी टैक्सी आई तो उससे पूछूँगा जाएगी या नहीं। रेगिस्तान रेगिस्तान हाउ मच पैसे हाउ मच फाइव ट्वेंटी टू जीरो। ना ना 20 20 20। ये टैक्सी वाले ना स्कैम करने लग पड़ते हैं। इन टैक्सी के स्कैम से ना बच के रहना है। आते हुए मैं 20,000 दे रहा हूँ तो ये जाते हुए मुझे 50 कह रहा है, मुझे टूरिस्ट समझ के ना चूना लगा रहा है। कोई नहीं, टैक्सी वाले बड़े हैं, कोई ना कोई आ ही जाएगा। वेट करता हूँ आगे भी, बड़े टैक्सी वाले हैं।